तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज रात हमें क्राउन जोल के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि दोस्तों क्राउन जोल का हिंदी प्रीव्यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस WWE का नेक्स्ट पीपीवी क्राउन जोल आज रात हमें देखने को मिलेगा सोनी 10 नेटवर्क के ऊपर, 9:30 बजे आएगा। और दोस्तों जो ये प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं ये होने वाली है बैटिंग ऑड्स के आधार के ऊपर, यानी कि इसके अंदर दोस्तों जो भी रेसलर्स जीतेंगे उनके जीतने के चांसेस 70% तक है। साथ ही साथ इसमें कुछ चीजें मैं भी ऐड करूंगा, तो चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस सबसे पहले 9:30 बजे जो चीज आपको देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों हमारा 20-man बैटल रॉयल। ये दोस्तों होगा AJ स्टाइल्स से फाइट के लिए, और गाइस AJ स्टाइल्स से जो फाइट होगी ये वही व्यक्ति कर पाएगा जो कि इस बैटल रॉयल को जीतेगा। ऐसे में बहुत से रेसलर्स इसके अंदर एडअप किए गए हैं, लेकिन टॉप थ्री की बात की जाए यानी कि टॉप थ्री जो कि मेरे हिसाब से इसे जीत सकते हैं वो है दोस्तों बड़ी मर्फी, उसके बाद सेड्रिक अलेक्जेंडर और उसके बाद हम्बर्टो। अब गाइस इनमें से सबसे ज्यादा चांसेस की बात की जाए तो हम्बर्टो की मुझे लग रही है, क्योंकि हम्बर्टो हाल ही में AJ स्टाइल्स के साथ इन्वॉल्व थे मंडे नाइट रॉ के अंदर, वो फाइट किए जहां दोस्तों वो जीतते जीतते रह गए। तो ऐसे में फिर से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल सकती है और वो इस मैच को जीत सकते हैं और बन सकते हैं नंबर 1 कंटेंडर। लेकिन बात करी जाए उसके बाद क्या होगा, तो गाइस उसके बाद जैसे ही 10:30 बजते हैं तो आपको देखने को मिलेगा मेन शो में सबसे पहला मैच जो रहेगा वो रहेगा वुमन्स का, यानी कि दोस्तों फर्स्ट एवर वुमन्स मैच इन सऊदी। तो एंड मोमेंट पर कंफर्म कर दिया गया है और ये होने जा रहा है लेसी इवंस वर्सेस नटालिया के मध्य। तो इन दोनों के बीच हमने एक लंबी राइवलरी देखी थी WWE के अंदर, लेकिन सऊदी के क्राउड के लिए दोस्तों ये पहला एक्सपीरियंस होगा जब महिलाएं उनके सामने लड़ेगी। बात की जाए इस मैच के रिजल्ट की तो गाइस हां मुझे लगता है कि नटालिया इस मैच में विजय रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों दूसरा मैच जो आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा AJ स्टाइल्स बनाम उस कंटेंडर के बीच में, और गाइस यहां जो भी कंटेंडर रहेगा मुझे नहीं लगता वो जीतेगा, क्योंकि AJ स्टाइल्स का टाइटल रन काफी बेहतरीन चल रहा है और AJ स्टाइल्स इसमें आसानी से रिटेन कर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हमें देखने को मिलेगा वो रहेगा टैग टीम टर्मोइल मैच, जो कि दोस्तों इसलिए रखा गया है ताकि बेस्ट इन द वर्ल्ड टीम की घोषणा की जा सके। और गाइस इसके अंदर बहुत सी टीम्स रहेगी, जब एक टीम हार जाया करेगी तो दूसरी आ जाया करेगी, दर्जनों टीम इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन रिजल्ट की बात की जाए तो गाइस मेरे अनुसार इस मैच को न्यू डे जीतने वाली है, और अगर न्यू डे नहीं जीतती है तो यहां दोस्तों ऑड्स में वाइकिंग रेडर्स ही चली हुई है सबसे आगे। तो गाइस इन दोनों में से कोई एक टीम जीतने वाली है, मेरे हिसाब से न्यू डे इस मैच को जीतेगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हमें देखने को मिलेगा वो रहेगा दोस्तों सिजारो वर्सेस मंसूर के मध्य। अब गाइज ये जो मैच बना है सिंगल्स मैच है, कोई भी टाइटल इसके अंदर दाव पर नहीं रहने वाला। और रिजल्ट की बात की जाए तो गाइज इस मैच को 101% मंसूर ही जीतने वाले हैं, क्योंकि वो सऊदी के बेबी बॉय है और एक तरीके से ओवर पुश्ड रुकी है, जिसके चलते दोस्तों वहां की ऑडियंस को हर्षोल्लासित करने के लिए ये चीज रखी गई है, और सिजारो के जीतने के चांसेस इसमें लगभग 0% है। लेकिन बात कर लीजिए उसके बाद क्या कुछ होगा, तो गाइज उसके बाद जो अगली चीज आपको देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों हमारे ब्रे वाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस के मध्य मैच। तो गाइज ये जो मैच होने वाला है ये होने वाला है फॉल्स काउंट एनीवेयर, एंड दोस्तों ये किसी भी कॉस्ट पर रुकने नहीं वाला है। अब गाइज बात की जाए इन दोनों की राइवलरी की, तो ब्रे वाइट और सेथ की राइवलरी सभी जानते हैं। फिंड दोस्तों पहली बार सऊदी में कदम रखेंगे और ऑडियंस उन्हें देखकर काफी ज्यादा डरने वाली है, लेकिन रिजल्ट की बात की जाए तो सेथ को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑड्स उन्हीं के पक्ष में चले हुए हैं। साथ ही साथ मुझे भी ऐसा लगता है कि सेथ रॉलिंस सऊदी में अपना टाइटल ड्रॉप नहीं करेंगे, और जैसे तैसे यानी कि साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके वो अपना टाइटल रिटेन कर जाएंगे। इसके बाद जो अगला मैच आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा दोस्तों टीम होगन वर्सेस टीम फ्लेयर के बीच में 5 vs 5 मैच, जहां दोस्तों हल्क होगन और रिक फ्लेयर रिंग साइड पर खड़े होंगे, वहीं उनके रेसलर्स रिंग में लड़ रहे होंगे। हल्क होगन के पास है उनके कैप्टन यानी कि रोमन रेंस, गेबल, रिकोशे, रूसेफ और अली, वहीं फ्लेयर के पास है रैंडी ऑर्टन, ड्र्यू मैकइंटायर, बॉबी लैशली, नाकामुरा और कॉर्बिन। रिजल्ट की बात की जाए तो ऑड्स दोस्तों हैवीली पक्ष में चल रहे हैं रोमन रेंस की टीम के, और गाइस मुझे भी ऐसा लगता है कि रोमन रेंस की टीम इस मैच को जीतेगी और इस मैच में विजय रहेगी। लेकिन चलते हैं उससे अगले मैच के ऊपर, तो गाइस इससे अगला मैच जो हमें देखने को मिलेगा
वो रहेगा दोस्तों सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, और ये होगा टाइसन फ्यूरी वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के मध्य। तो गाइस ये मैच काफी बड़ा है और इसके अंदर ऑड्स की अगर आप सुनेंगे तो आप काफी चौंक जाएंगे। यहां दोस्तों ऑड्स हैविली पक्ष में है ब्रॉन स्ट्रोमैन के, और माना यह जा रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन इस मैच को जीतने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहां मैं ऑड्स के बिल्कुल विपरीत हूं, क्योंकि टाइसन फ्यूरी का बॉक्सिंग में रिकॉर्ड अभी तक अंडरफीडेड ही रहा है, और गाइज यहाँ WWE में आकर हारने का कोई भी मतलब नहीं बनता है उनका। अब यहाँ दोस्तों ऑड्स तो है ब्राउन के पक्ष में, लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपको यहाँ टाइसन फ्यूरी के ऊपर दाव लगाना चाहिए, और मेरे अनुसार इस मैच को टाइसन फ्यूरी जीतने वाले हैं, जहाँ वो नॉकआउट कर देंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन को। लेकिन अब हम चलते अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो गाइज मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि आपको कल देखने को मिलेगा वो रहेगा दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस केन वेलास्केस के बीच में, और द WWE चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस यहां चैंपियन ब्रॉक लेसनर के सामने है केन वेलास्केस। केन वेलास्केस की लड़ने की अपनी वजह है, केन वेलास्केस इसलिए लड़ना चाहते हैं ताकि वो रे मिस्टीरियो का बदला ले सके। रे मिस्टीरियो के साथ ब्रॉक लेसनर ने बहुत ज्यादती की, उनके बेटे को पीटा, उन्हें भी पीटा, और आखिरी स्मैकडाउन के अंदर हमने ये चीज देखी कि ब्रॉक लेसनर ने केन को भी पीटा। तो गाइस यहां केन वेलास्केस ने कसम खा रखी है कि वो ब्रॉक लेसनर को मार डालेंगे इस पीपीवी के अंदर, और ब्रॉक लेसनर दोस्तों कोई बच्चे तो है नहीं, तो काफी बढ़िया मैच होने वाला है। अब गाइस बात की जाए इस मैच के रिजल्ट की, तो गाइस इस मैच के रिजल्ट ये माना जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर इस मैच में अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे और बने रहेंगे WWE चैंपियन। लेकिन दोस्तों यहां ऑड्स की ना मानते हुए मैं चीज कहूंगा कि ये मैच आपको नो कॉन्टेस्ट में खत्म होते हुए नजर आएगा, क्योंकि केन वेलास्केस का पहला मैच है, तो पहला मैच तो कौन ही हारता है। वहीं दोस्तों ब्रॉक लेसनर भी इस जरिए से अपना टाइटल रिटेन कर पाएंगे, तो आपको ये थिंग देखने को मिलने वाली है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि इस मैच के अंदर आपका सपोर्ट किसे है, तो कमेंट करके वो चीज का जवाब मुझे देना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।